और आइए बात करते हैं कोलकाता रेप कांड की। कोलकाता रेप कांड में अब जो सीबीआई है वो पूरे मामले में एक्शन मोड पर आ गई है, जहां कल सीबीआई की टीम ने बाकायदा अस्पताल के डॉक्टर के साथ पूछताछ की, तो वहीं प्रिंसिपल को भी अपने साथ ले गई। बिल्कुल, देखिए गायत्री, प्रिंसिपल से भी पूछताछ हुई, उसके बाद प्रिंसिपल को जो है सीबीआई की टीम अपने साथ ले गई है। यही नहीं, अब पूरे एक्शन में सीबीआई की टीम नजर आ रही है। कल क्या कुछ एक्शन सीबीआई का देखने को मिला है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर के बलात्कार के बाद हत्या के मामले में पनपा आक्रोश थमने का नाम भी नहीं ले रहा, जिस पर एक तरफ जहां बंगाल में बवाल तो दूसरी तरफ राजनीति में उबाल नजर आ रहा है। मगर इससे इतर जांच पड़ताल में भी तेजी देखने को मिल रही है। यही वजह क्या है कि जांच की कमान मिलते ही सीबीआई ने भी ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया। इस पूरे मामले में सीबीआई की टीम गुरुवार रात आरजीकर मेडिकल कॉलेज पहुंची और पूछताछ के बाद प्रिंसिपल को अपने साथ ले गए, जिसे कुछ देर बाद छोड़ दिया गया। इससे पहले टीम ने अभया के परिजनों का बयान दर्ज किया था, जिसमें हुए खुलासे के बाद टीम आरजीकर हॉस्पिटल पहुंची और सीबीआई टीम ने दो डिपार्टमेंट हेड, दो रेजिडेंट डॉक्टर के अलावा दो पीजीटी स्टूडेंट से भी पूछताछ की थी। सीबीआई ने अभया के परिजनों से पूछताछ की है और उस पूछताछ में तमाम बड़े खुलासे हुए हैं। परिवार ने पुलिस की संवेदनहीनता बताते हुए बताया है कि कैसे परिवार को 3 घंटे इंतजार करवाया जाता है और उनको कहा जाता है उनकी बेटी ने आत्महत्या कर दी। यहाँ पर दो रेजिडेंट डॉक्टर्स, दो डिपार्टमेंट हेड और दो पीजीटी स्टूडेंट से भी पूछताछ की है। माना जा रहा है बड़े खुलासे। एक तरफ जहां सीबीआई टीम पूरे केस की छानबीन में जुटी है, तो दूसरी तरफ बुधवार को अस्पताल में हुए उपद्रव पर भी एक्शन तेज हो गया। बंगाल पुलिस ने तोड़फोड़ के मामले में जहां 12 लोगों को गिरफ्तार किया, तो वही 50 से ज्यादा संदिग्धों की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर जारी कर दी, जो उस दौरान हुई अराजकता में शामिल थे, जिन्होंने अस्पताल को तहस नहस कर दिया था। बंगाल की बिटिया के साथ हुई बर्बरता ने सारी हदें पार कर दी, जिस पर कुरके सियासी बवाल से यही सवाल जन्म लेता है कि आखिर राक्षसी कृत्य करने वालों की रक्षा करने वाले पापियों पर प्रहार कब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए रिपोर्ट आपने देखी, किस तरीके से सीबीआई पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है। सबकी नजरें जो है इस वक्त सीबीआई पर ही टिकी हुई है कि आखिर देखना यही होगा कि सीबीआई की जांच में क्या निकलकर सामने आता है। लेकिन दूसरी तरफ कोलकाता में जो रेप कांड हुआ है, इसे लेकर उबाल कम होने का नाम नहीं ले रहा है और बुधवार को एक बार फिर से मेडिकल कॉलेज में जबरदस्त तरीके से तोड़फोड़ की गई। इसे लेकर एक बार फिर से जो डॉक्टर्स हैं वो विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। बिल्कुल, और इस पूरे मामले को लेकर जो देश भर में उबाल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। खासकर अगर ममता बनर्जी जो कि प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से जो एक बयान दिया गया उसको लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि ममता ये कह रही हैं कि इस पूरे मामले में छात्रों का कोई दोष नहीं है बल्कि ये वाम और राम का काम है, जिसके बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी ने क्या पलटवार किया है इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बंगाल में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के बाद देश के डॉक्टरों में सबसे ज्यादा गुस्सा सीएम ममता बनर्जी सरकार को लेकर है। डॉक्टर सबसे ज्यादा इस बात का की विरोध कर रहे हैं कि बंगाल सरकार ने इस मामले में अपनी जिम्मेदारी ही नहीं निभाई। डॉक्टरों से लेकर पीड़िता के घर वालों का भी यही आरोप है कि सरकारी मशीनरी ने शुरुआत से ही इस मामले को दबाने की कोशिश की। बंगाल में हो रहे बवाल के लिए भी बीजेपी से लेकर प्रदर्शनकारी डॉक्टर तक सभी बंगाल सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रखे। लेकिन सीएम ममता बनर्जी कहें कि वो गलती मानने को तैयार ही नहीं, वो उल्टा इस गंभीर मुद्दे पर ऊट पटांग बयान दे रही है। इसी कड़ी में उन्होंने 15 अगस्त को राजभवन में एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी और वामपंथी दलों को घेरा है। उन्होंने आरजीकर अस्पताल में हुए तोड़फोड़ का पूरा ठीकरा बीजेपी और वामपंथी दलों के सिर पर फोड़ दिया। আমি যতটুকু ইনফরমেশন পেয়েছি
आमी छात्र छात्री देर कोनो दोष दिच्छी ना कुछ राजनैतिक लोक बांग्लाय अशांति करते चान बाम एवं राम। एक तरफ जहां बुधवार को आरजीकर अस्पताल में हुई तोड़फोड़ को डॉक्टर और विपक्षी दल सीधे टीएमसी की साजिश करार दे रखे हैं, तो वकील सीएम ममता के इस बयान ने सीधे बीजेपी का पारा हाई कर दिया। लिहाजा जैसे कि सीएम ममता ने ये बयान दिया, बंगाल बीजेपी के नेता विफर पड़े। उन्होंने सीएम ममता पर पलटवार करते हुए उनसे कि सवाल पूछ लिया। ममता बनर्जी ने जो कहा है कि ये छात्रों लोगों का कोई दोष नहीं है, ये बाम राम का काम है, तो पुलिस क्या कर रहे थे? ट्रकों ट्रकों भर के पूरा रास्ते से ऊपर कोलकाता में एकदम सेंट्रल कोलकाता में ऐसा लोग आ रहे थे, तो अगर बाम कोई लेके आ रहे, अगर बीजेपी का कोई लेके आ रहा है, तो पुलिस क्यों क्या कर रहे थे उसमें? बीजेपी के गुस्से की वजह भी क्या है, क्योंकि अभी दो रोज पहले की सीएम ममता बनर्जी ने डॉक्टरों के प्रदर्शन की तुलना बांग्लादेश में हो रहे प्रदर्शन से की थी। उन्होंने डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन को विपक्षी दलों की साजिश बताया था। उन्होंने कहा था कि बंगाल में विपक्षी पार्टियां बांग्लादेश की तरह उनकी सरकार का तख्ता पलट करना चाहती है। जाहिर है अब इस मुद्दे को दोबारा बीजेपी और राम से जोड़े जाने पर बीजेपी भड़क उठी है। ममता बनर्जी जी, आपको हो क्या गया है? इस्तीफा देने के बदले, अपनी नैतिक जिम्मेदारी उठाने के बदले, आप जिस प्रकार से हेल्थ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के रूप में फेल हुई है, आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल जहां पर यह बलात्कार हुआ, जहां पर यह जघन्य अपराध हुआ, जहां पर मर्डर हुआ, वहां पर घुसकर आपके राज्य प्रायोजित गुंडों ने तोड़फोड़ की है, उसके लिए जिम्मेदारी उठाने के बदले अब आप बाम और राम, प्रभु श्री राम के नाम को घसीट रही हैं। हिंदुओं से इतनी नफरत है कि इस जघन्य अपराध में हिंदुओं का अपमान कर रही हैं आप, वोट बैंक की राजनीति के लिए और अपने पूरे पूरे अकाउंटेबिलिटी से दूर भागने के लिए। ये पहली बार नहीं जब बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अंजाम दी गई दरिंदगी को लेकर सीएम ममता बनर्जी गिरी हो। संदेश खाली की घटना को लेकर भी ममता बनर्जी चौतरफा निशाने पर रखी, लेकिन इस बार हैवानियत का नंगा नाच कोलकाता के सरकारी अस्पताल में खेला गया, जिसने देश भर के डॉक्टरों के सामने सुरक्षा का सवाल खड़ा कर दिया। ऐसे में सवाल भी यकीक है कि आखिर लेडी डॉक्टर के रेप मर्डर केस से राम का नाम जोड़कर आखिर सीएम ममता कौन सा तीर मारना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ममता बनर्जी ने जो बयान दिया है उसको लेकर अब बवाल मच गया है। ममता दीदी ने तो हद कर दी, बीजेपी लगातार हमलावर है। आरजीकर अस्पताल पर ममता ने ये बयान दिया है और बयान क्या दिया है वो आपको बताते हैं। दरअसल जो तोड़फोड़ अस्पताल के अंदर हुई है उसको लेकर ममता का ये बयान सामने आया। अस्पताल में तोड़फोड़ पर ममता बनर्जी जो की प्रदेश की मुख्यमंत्री, उनकी तरफ से बयान दिया गया। हमले को बीजेपी और लेफ्ट से जोड़ रही है ममता बनर्जी, जो बयान उन्होंने दिया, और साथ ही उन्होंने इस बयान में कहा कि बाम और राम का ये कारनामा, यानी बाम और राम से इस पूरी तोड़फोड़ को, इस पूरी हिंसा को ममता बनर्जी जोड़ रही हैं। ममता बनर्जी के बयान पर बवाल मच गया क्योंकि बीजेपी हमलावर है और बीजेपी लगातार ये कह रहे कि हमारे भगवान को गाली मत दें। ये ममता बनर्जी पर हमला बोला बीजेपी ने। सवाल उठाया कि हिंसा पर हिंसा राम और वाम ने की है, ये सवाल बीजेपी उठा रही है कि जो तोड़फोड़ की गई अस्पताल में, क्या उसके लिए वाम और राम जिम्मेदार है कि ये हिंसा राम ने की है? राम को गाली मत दो, ये बीजेपी लगातार कह रही है। तो आपको बता दें, ममता बनर्जी ने दरअसल उस मामले पर बयान दिया है जो अस्पताल में तोड़फोड़ की गई थी, उसको लेकर सवाल खड़े हुए कि क्या वहां से सबूत नष्ट करने की कोशिश है? आखिरकार अस्पताल में तोड़फोड़ क्यों की गई? उस पूरे प्रीमाइसेस को सिक्योर करना चाहिए था, जिसके बाद ममता बनर्जी का यह विवादित बयान सामने आया जिसमें वो इस पूरी हिंसा को वाम और राम से जोड़ रही है और बीजेपी ये सवाल पूछ रही है कि क्या ये हिंसा राम और वाम का काम है। देखिए, लगातार हम आपको ये बता रहे हैं किस तरीके से कोलकाता में जो भी कुछ हुआ इसे लेकर देश भर में उबाल देखने को मिल रहा है, लेकिन रिपब्लिक भारत की टीम आपको बता दे कि सच तक पहुंचने के लिए लगातार जमीनी स्तर पर डटी हुई है और एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रही है। रिपब्लिक भारत की टीम ने किस तरीके से पूरे रिपोर्टिंग को कवरेज किया है और कैसे एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रही है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। हम डरते नहीं हैं, हम थकते नहीं हैं, सवाल पूछने से घबराते नहीं हैं, सच के लिए हर हालात में रहते हैं तैयार,
कोलकाता में महिला ट्रेनी डॉक्टर के मर्डर केस को लेकर जारी आंदोलन में रिपब्लिक की टीम ने एक बार फिर बेहद कठिन परिस्थितियों में अपना कर्तव्य निभाया। चाहे आंदोलन तोड़फोड़ हो या जिम्मेदार अधिकारियों से तीखे सवाल पूछना, हमारी टीम ने कोलकाता कांड का सच निकालने के लिए न दिन देखा न रात। यहां तक हंगामे बवाल के दौरान भी हमारी टीम मौके पर डटी रही।